स्टार्ट हो गया है, आप एक बार ही मुझे बताओ, कंफर्म करो। आ गया, चलो मैं दोबारा से शुरू करूँ। ओके ओके, ठीक है आंटी, और कल का मेरे भी ध्यान रखियो लादे। ओके, मैं तो खाती नहीं हूँ नॉन। जय गुरु जी, संगति, संगत जी, सारी संगत को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मैं गुडू आंटी, अभी पीछे लाइव चल रही थी, पता नहीं ब्लेसिंग्स में शायद जा नहीं रहा था, तो मैंने दोबारा शुरू किया है। तो सॉरी गुरु जी, सारी महिमा तो आपकी होती है। तो आज गुरु जी ने सौभाग्य दिया है मुझे भी अपनी महिमा करने का, आपके सत्संग, अपने सत्संग शेयर करने का। तो मैं कुछ अपने सारे तो नहीं कर पाऊंगी, बहुत सारे पर्सनल हैं, बहुत सारे ड्रीम्स के हैं, बट बहुत काफ़ी सत्संग है जो मैं शेयर करूंगी। गुरु जी की मेहर वर्ड्स में बयान करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी तो मेहर पल पल बरसती है और हमारे पास इतने वर्ड्स ही नहीं है कि उनकी मेहर, उनका शुक्राना कर सकें। तो मैं गुरु जी से ईयर 2000 में फर्स्ट टाइम मिली थी। मेरी शादी को तब 5 महीने हुए थे और मेरी मदर का फ़ोन आया था मुझे 5 जुलाई को कि ऐसे गुरु जी के पास चलना है, तो तू आ जा। मेरी इन लॉज मेरे मेरठ में थे, तो मैं ससुराल में ही थी अपने मेरठ में। तो मैंने कहा, मम्मी क्या आप कौन से गुरुओं के चक्कर में पड़ गए हो, जैसा हम लोग सब होते ही हैं कि कौन से गुरुओं के चक्कर में पड़ गए हो, मैं किसी गुरु जी को नहीं मानती हूँ और आप ज़बरदस्ती कर रहे हो। मम्मी ने थोड़ा मेरे को जोर दिया कि नहीं, आ जा, गुरु जी की संत हैं, जो भी हैं गुरु जी हैं, तो ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। तो ऐसे टोके मैंने अपने अपने हस्बैंड से बोला। हम 6th को 5th को मम्मी का कॉल आया था और 6th को हम लोग मेरठ से दिल्ली आ गए। 7th जुलाई गुरु जी के बर्थडे वाले दिन फर्स्ट टाइम हम लोग गुरु जी के पास गए और मैंने वहाँ देखा कि सारे लोग जैसे चरण छूती है गुरु जी के, मेरी बारी आई, मैंने भी गुरु जी के चरण छुए और गुरु जी ने बोला मुंडा दीता। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि मुंडा दीता उस वक्त उनकी बात जो होती है वो पत्थर की लकीर होती है, उस वक्त नहीं समझते थे। उस वक्त कुछ बस ऐसा ही लगा जैसे शादी हुई है नई नई और किसी भी बड़े बुजुर्ग गुरु के पैर छूगे तो वो यही बोलेगा कि मुंडा देता बच्चा हो, या यही आशीर्वाद देगा। तो मैंने भी उसको वही सोच के उतना ही और मेरा खैर हो गया और वहाँ से हम लोग वापस आए। वहाँ अच्छा लगा था, बट जैसे मानते तो थे ही नहीं हम लोग, और सामने बैठे इंसान को भगवान रूप में मानना तो वैसे भी बड़ा मुश्किल होता है। तो वही हमारा हाल था कि मिले थे पर माने नहीं थे। कब से गुरुजी ने जोड़ा है, कितने जन्मों से गुरुजी के साथ जुड़े हैं, ये बातें अब समझ में आती हैं कि कब से जोड़ा वो तो हम नहीं बता सकते। इस जन्म में भी कब से जुड़े वो भी नहीं बता सकते। मिले ज़रूर थे, बट जो गुरुजी से बॉन्डिंग, गुरुजी से प्यार और गुरुजी का आशीर्वाद तो हमेशा से मिला है, वो समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि आप गुरुजी को कब, कितने टाइम से आप अच्छे से आप उनको मानने लगे। तो फर्स्ट टाइम वही 2000 में ऐसे ही जब गुरुजी ने बोला मुंडा दीता, मैं अपने अगले दिन ही ससुराल वापस चली गई मेरठ में। तो मुझे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी उस वक्त और समझ में कुछ आ नहीं रही थी, क्योंकि मैंने 3 बारी प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया था अपना और तीनों बार नेगेटिव था। तो नेक्स्ट डे जब हम गए तो मेरे अंकल ने बोला कि एक बारी और टेस्ट करा लेते हैं, गुरुजी ने बोला मुंडा दीता। तो मैंने कहा ठीक है, और नेक्स्ट डे हमने टेस्ट कराया एंड इट वाज पॉजिटिव। तो थैंक्स टू गुरुजी, लेकिन उस वक्त खुश हुए, समझ में कुछ भी नहीं आया, ना ये पता था कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, ना ये पता था कि गुरुजी का ही आशीर्वाद है, कुछ नहीं समझ में आया। खैर टाइम निकलता गया, जैसे स्विच ऑफ हो जाता है दिमाग, वैसे ही मेरा था, कुछ नहीं पता। फर्स्ट में तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी, तो मैं अपने इन लॉस के यहाँ से अपनी मदर के यहाँ आ गई, क्योंकि बिल्कुल उठ के कुछ काम नहीं होता था तो अच्छा नहीं लगता था कि सारे दिन लेटी रहूँ। तो दिल्ली आ गई, सारे दिन तकलीफ
तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी, टाइम निकलता गया, ना ज़्यादा मेडिसिन ली मैंने, टेस्ट भी कुछ ही करवाए, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आया, जैसे एक एक स्विच ऑफ कर दिया था। उसका क्या रीज़न था गुरुजी जाने, और उसके पीछे भी क्या चीज़ होगी वो भी गुरुजी जाने। बट सेवेंथ मंथ में एक अल्ट्रासाउंड कराया तो मेरी डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपका जो बेबी है वो ग्रोथ नहीं हो रही है उसकी। तो मुझे बड़ा धक्का लगा, और क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, टेंशन हो ही जाती है, तो मैं बड़ा परेशान भी हो गई। खैर पता नहीं गुरुजी की मेहर से ही एट्थ मंथ के एंड में मेरे को एक बहुत सीनियर डॉक्टर मिली। उन्होंने तसल्ली से मेरे से सारी चीज़ें पूछी, एक एक टेस्ट, एक एक रिपोर्ट, मेरी सारी हालत। उन्होंने 5-6 टेस्ट और लिख के दिए, वो सब कराए। फिर सारी कॉम्प्लिकेशंस समझकर, जो भी उन्हें समझ में आया, उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, जल्दी से जल्दी कोई एक डेट निकलवा लो। और कॉम्प्लिकेशंस मेरे को लग रही हैं काफ़ी, तो नॉर्मल करना तो मुश्किल होगा, आप ही डिसाइड करो कि नॉर्मल करना है कि सिजेरियन करना है। तो मैंने कहा नहीं, अगर कॉम्प्लिकेशंस है तो गो फॉर सिजेरियन, आई डोंट माइंड। तो यही सब चल रहा था, और टाइम निकला और मैंने डेट एक हमने मेरे हस्बैंड ने फिक्स की, और हम लोग हॉस्पिटल में, मैं 6th of March को मैं एडमिट हो गई। 7th March मेरा ऑपरेट हुआ, बेटा हुआ जैसा कि गुरुजी ने कहा ही था, और थोड़ा सा वीक हुआ बट थैंक्स टू गुरुजी बिल्कुल अच्छे खासे था, वो फिट एंड फाइन था। और ये सब गुरुजी की मेहर ही थी कि क्या चीज़ हुई, कैसे हुई, ये तो गुरुजी जाने। बट बहुत मेहर हुई, क्योंकि उसके बाद जब मेरे को डॉक्टर ने मेरी आके बताया कि आपने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया कि आपने नॉर्मल के लिए नहीं गए, सिजेरियन के लिए गए, क्योंकि वाटर बैग में बिल्कुल भी पानी नहीं था, इसी वजह से आपको मूवमेंट्स नहीं लगते थे, और बेबी सारा पूरा का पूरा कॉज में लिपटा हुआ था। और अगर आप नॉर्मल के लिए जाते या एक आध दो दिन लेट भी हो जाते तो उसके बचने की बहुत ही कम संभावना थी। तो इट्स ऑल मेहर ऑफ गुरुजी एंड शुक्राना गुरुजी, उन्होंने बहुत मेहर की। तब नहीं समझे थे बट अब 4 साल बाद समझ में आया, क्योंकि 7th July को गुरुजी ने ब्लेस किया था और 7th March मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ थी, और क्या प्रॉब्लम चल रही थी ये भी गुरुजी जाने, क्योंकि कुछ था और क्या चीज़ मेरे अंदर से उन्होंने कन्वर्ट की, जो मुंडा दिता बोला था ये भी मेहर सारी गुरुजी ही जाने, वो ही जान सकते हैं। एक सत्संग मैं और शेयर करती हूँ। 2013 में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, काफ़ी वेट लॉस हो गया, बहुत वीक हो गई थी, और समझ नहीं आ रहा था। मेरे को ऐसा लगा, मैंने शिफ्ट किया था घर, शायद अकेली हो गई हूँ, बच्चों का थोड़ा ज़्यादा बोझ हो गया है, बच्चे छोटे भी थे, तो शायद उस वजह से मैं काफ़ी मतलब ऐसा हो गया है, शायद वेट लॉस हो रहा है या जो कुछ भी हो रहा है। तो फिर उसी दौरान एक दिन मैंने अपने घर गुरुजी का सत्संग रखा हुआ, एक संगत आई थी, तो एक आंटी आई थी और उनका भी बहुत गुरुजी से कनेक्शन है, तो उन्होंने मेरे से यही बोला कि आंटी आप काफ़ी वीक लग रहे हो, आप अपना टेस्ट क्यों नहीं कराते। तो मैंने कहा हाँ आंटी मैं सोच रही हूँ, बट थोड़ा डर लगता है कि कुछ अगर निकला तो कैसे होगा, कौन संभालेगा। तो कहती नहीं नहीं ऐसा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टी विटामिन की कमी होगी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा अच्छा ठीक है आंटी, बिल्कुल। फिर उन्होंने एक चीज़ और बोली कि आंटी मैंने विजन में ना गुरुजी को भल्ले पापड़ी खाते देखा। तो मैंने कहा हाँ आंटी बिल्कुल। तो उसी सत्संग में भल्ले पापड़ी हम लोग ने गुरुजी को भोग लगाए खाए। अब इसके पीछे क्या रीज़न था ये तो मुझे खैर नहीं मालूम था, पर ऐसे टाइम निकला। उसके बाद मैंने टेस्ट करवाया और मुझे ट्यूबरकुलोसिस निकला। जिस दिन तक ये पता नहीं था तब तक तो चल रही थी, बट जिस दिन ये पता चला उस दिन मैं बेड से नहीं उठ पाई। मैं उठती थी, मुझे चक्कर आते थे, मैं फिर लेट जाती थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी, बच्चे काफ़ी छोटे थे, कैसे संभालेगा, कौन संभालेगा,
तो मेरी मदर ने बोला तू क्यों परेशान हो रही है, गुरुजी बैठे हैं और मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, संभल जाएंगे। तो ठीक है, आरएमएल से मेरी मेडिकेशन शुरू हुई और बहुत अच्छे से रिवाइव कर रही थी मैं। मेडिसिन का कोर्स 9 मंथ्स का था, बट क्योंकि बच्चे छोटे थे मैंने सोचा कि इसका कोर्स मैं 1.25 साल का लूँगी, ऐसा ना हो कोई भी चीज़ रह जाए तो बाद में परेशान करें। तो बड़े अच्छे से सब कुछ चल रहा था, बड़े अच्छे से रिवाइव हो रहा था और 7th मंथ में मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी, मेरे लंग्स में से आवाज़ आती थी खड़खड़ करके। तो मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी तो मेरे को उन्हीं आंटी का फ़ोन आता है और वो मेरे से कहते हैं कि आंटी मुझे गुरुजी ने बोला था कि मैंने गुड्डू नू लाइफ ब्लेस कर देती है, उदे बच्चे छोटे हैं तो उसको मैंने लाइफ ब्लेस की है, उसके लंग्स चिपकने सी, उसके लंग्स पापड़ी बनने सी मैं बल्ले कर देते और मैंने उसको लाइफ ब्लेस की है, शुक्राना गुरुजी का। ये जब मैंने मैसेज सुना तो मेरे को पता नहीं क्यों बड़े दिल को तसल्ली हुई। मैं डॉक्टर के पास गई अपने उनको बताने के लिए कि मेरे को ऐसे ब्रीदिंग, तो वो बड़ा परेशान हो गया कि आपका कोर्स ख़त्म होने वाला है, बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत अच्छे से रिवाइव कर रहे थे, फिर अचानक ये कैसे हो गया। उसने हाथ खड़े कर दिया और उसने मेरे को एम्स रेफर कर दिया, डॉक्टर का नाम बता दिया, टाइम ले दिया, अपॉइंटमेंट हो गया मेरा फिक्स, मैं एम्स गई। वो डॉक्टर ने मेरे से डिटेल्स पूछी एंड देन फिर मेरे को बोला आप इसको लैब से अपने लंग्स का पानी निकलवाओ और इसको हम टेस्ट के लिए भेजेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट डे मैं गई तो मुझे चेक किया उसने डॉक्टर ने, तो उन्होंने कहा कि अराउंड 50 cc पानी है जो लंग्स में भरा हुआ है और उन्होंने मेरे बैग से लंग्स में से पानी निकाला जो कि अराउंड 25 cc था और उसने बोला कि इससे ज़्यादा नहीं निकल सकता अंदर से पानी, इसको हम भेज देते हैं टेस्ट कराने के लिए और बाकी के जो अंदर है जो रह गया है उसके, उसने मेरे को पता नहीं कितने तरह के कॉम्प्लिकेशंस बताए, ये मतलब अंदर रह जाता है तो ये गाढ़ा हो जाता है एंड थिक हो करके ये लंग्स में चिपक जाता है एंड फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है। बट कहीं ना कहीं मैं पता नहीं क्यों बड़ा सेफ फील कर रही थी, क्योंकि मेरे को जो मैसेज मिला था कि मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ थी, अब डॉक्टर कुछ भी बोले, मुझे ये पता था कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया और उन्होंने ये बोला है कि मेरे लंग्स चिपकने थे, तो ये जो पानी भरा है ये गुरुजी ने लंग्स चिपकने से बचाने के लिए भरा है, उन्होंने कहा था पापड़ी होने से भल्ले कर देते। तो पता नहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे ये चल रहा था, डॉक्टर क्या बोल रही थी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो खैर टाइम उसकी निकला, वो मेरी जो पानी की रिपोर्ट्स चली गई टेस्ट होने के लिए, अगले दिन उसकी 3 दिन बाद उसकी रिपोर्ट्स आती हैं तो उसमें सब चीज़ नेगेटिव आती है, बिल्कुल ठीक होती है वो रिपोर्ट्स। और उसके बाद जब वो टेस्ट करते हैं मेरा तो मेरे लंग्स के अंदर जो जितना भी पानी बचा था वो कहाँ गया, उसका क्या हुआ, ये तो सिर्फ और सिर्फ मालिक जान सकते हैं, गुरुजी जान सकते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। एंड उसके बाद वो परेशानी मुझे कभी नहीं हुई, मेडिसिंस पूरी कोर्स मैंने पूरा किया एंड बिल्कुल बहुत अच्छे से रिवाइव होके आई। तो थैंक्स टू गुरुजी, शुक्राना है मालिक आपका, आपकी मेहर इतनी मेहर है कि हम जितना भी शुक्राना करें वो सब कम है। एक सत्संग मैं और शेयर करती हूँ कि मैं 2019 की बात है, मेरे को ड्रीम आता है कि गुरुजी आए हैं बैठे हैं और मैं उनकी गोद में सर रख के लेती हूँ और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो गुरुजी मेरे सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं जय गुरुजी। तो झटके से मेरी आंख खुलती है और मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि मेरे को गुरुजी की मैं मंदिर जाना है, उन्होंने मेरे को चाय सेवा दी है। तो कहते हैं अच्छा ओके, मैंने कहा ठीक है, मैं फटाफट तैयार हुई, मैं मंदिर भागी। बर्थडे का दिन था उस दिन और गुरुजी की संगत बहुत है, ये
नहीं कनेक्ट हो रहा। तो स्टार्टिंग में वहीं पे कैंटर लेके खड़े थे, मैंने भागे भागे उनसे बोला, मैंने कहा वाली अंकल मेरी चाय सेवा है और मुझे बताओ कैसे करनी है। तो वो उन्होंने कहा कि आंटी अभी तो इसमें चाय फुल है और अभी नहीं, थोड़ी देर बाद चाहिएगी, तो जब भी चाहिएगी मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है अंकल। तो मैं पीछे जाती हूँ किचन में, तो जो नई किचन बड़ी किचन है वो उस वक्त थोड़ा सा उसमें कुछ फिनिशिंग का काम चल रहा था, एंड जहाँ जल प्रसाद होता है वहाँ चाय सेवा होती थी। तो मैं उसको साफ सूफ किया, एक सवा घंटा लगा मैं वापस आई माली अंकल के पास। मैंने कहा अब तो चाय प्रसाद बनना होगा। तो मैंने फिर उनसे पूछा, कहते नहीं नहीं अभी तो इसमें काफ़ी है, अभी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने नहीं देखा गुरु जी के, मैं बस जस्ट मत्था टेक के आती हूँ। तो मैं अंदर गई, मैं गुरु जी के पास सामने सिर्फ 5 से 7 मिनट बैठ, मैं बाहर आई तो देखा मैंने कि एक अंकल केटल में चाय बना करके लेके आ रहे थे। तो मैंने कहा माली अंकल मेरी सेवा थी। तो कहता आंटी हमने आपको देखा और आप मिले ही नहीं। तो मैंने कहा अंकल मैं तो यहीं अंदर ही बैठी थी और 5 मिनट में कैसे चाय प्रसाद बन गई, क्योंकि इतने बड़े भगोने जो होते हैं उसमें चाय प्रसाद बनने में 40 to 45 मिनट्स, कभी कभी ज़्यादा भी लग जाता है, इतना टाइम लगता है। तो मैं बड़े हैरान थी, थोड़ा परेशान भी हुई। मैंने कहा गुरुजी ने मेरे को चाय सेवा दी है और मुझे चाय सेवा नहीं मिली, तो मैं परेशान थी। मैं घर आ गई, खैर आ रहा है क्या। मैं थर्सडे में जाती हूँ तो एक आंटी की सेवा हो रही थी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं आंटी आज मेरी सेवा होती है तो मैं आपको तो नहीं दे पाऊंगी। मैं ऐसे सैटरडे गई, सैटरडे अंकल की सेवा होती थी, उन्होंने भी मना कर